स्टूडेंट्स, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी मज भी तो ओपी। आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं, फिल्मी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में उसका बोलबाला है और उसके अंदर मनुष्य के प्रति काफी लगाव है, काफी संवेदना है और हजारों लाखों गरीबों की वो मदद भी करता है। मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की और उसकी जो फाउंडेशन है, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। आपको पता है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन 2007 में उसने लोगों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की थी मुंबई में। इससे पहले कि हम बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की बात करें, आगे चर्चा करें, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हाल फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद जो कुछ भी हुआ और जिसमें उस तरह से सलमान खान को भी घसीटा गया, बीच में उसका नाम उछाला गया, ये कतई उचित नहीं है। क्योंकि मैं सलमान खान को पर्सनली जानता हूं, आप सलमान खान से मिले हैं या नहीं मिले हैं, मैं उनसे मिला हूं और मैं जानता हूं ही इज अ गुड मैन। आज की तारीख में भी बैंड्रा में बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में आप जाइए, अगर आप सचमुच लाचार हैं, किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप उनके पास में जाइए। पूरे पैसे तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अच्छी खासी रकम आपको वहां से मिल जाएगी। लोग पूरे देश से वहां आते हैं और मदद के लिए, और सबको मदद मिलती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि एक सुपरस्टार इतनी मदद करता है किसी की, हर रोज लाखों रुपए। ये आगे मैं बताऊंगा आपको। तो मैं बता रहा था सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का सबको दुख है। मुझे भी जब ये खबर मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट क्यों उन्होंने खुदकशी कर ली। हेलो फ्रेंड्स, मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली, लेकिन उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था, वो डिप्रेशन के पेशेंट थे। देखिए, समस्याएं सबकी जिंदगी में आती है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सबकी जिंदगी में समस्याएं आती है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। सॉल्यूशन है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन ढूंढना है। ये मैं नहीं कर रहा, ये सभी लोग कहते हैं। सुनिए अक्षय कुमार क्या कह रहे। प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, उसकी खुदकुशी के बाद, उसको जिस तरह से मीडिया ने उछाला अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और बाकी के यूट्यूब चैनल वालों ने भी, उन्होंने एक तमाशा बना दिया, इससे उसकी आत्मा को दुखी पहुंचा होगा। ठीक है, उसकी बहन ने यह बताया था कि फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और पैसे की कमी थी, लेकिन उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में भी दी थी और उसे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। और सभी मानते थे और जानते थे कि वह अच्छे कलाकार हैं, टैलेंटेड हैं। मैं एक इंडस्ट्री की बात आपको बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। सर जी को मिला साउथ का, मतलब कौन सर जी है? आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन, और अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ हाँ, वी कॉल हिम सर जी, और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। वो सर जी का ना निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। जैसे कि बिजनेस में होता है, अगर किसी को कॉन्टेक्ट मिल जाए तो दूसरे लोग ट्राई करते हैं कि वो कॉन्टेक्ट उन्हें मिल जाए। वो मिनिस्टर की पैरवी लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, और कई बार मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को चला जाता है। इस इंडस्ट्री में यही होता है। ऋतिक रोशन ने शेखर कपूर के साथ एक फिल्म साइन की थी, पानी, शेखर कपूर की फिल्म, और ऋतिक रोशन की तमन्ना थी कि वो शेखर कपूर के साथ काम करे। लेकिन एक दिन अचानक न्यूज में आया
कि ऋतिक रोशन को सुशांत सिंह राजपूत ने रिप्लेस कर दिया। जहां तक नेपोटिज्म का भाई भतीजावाद का सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है तो फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी हीरो हीरोइन क्यों नहीं हो सकते, उनका रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकता? ये फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। एक फिल्म बनाने के लिए कम से कम 50 करोड़ की लागत आती है, अगर आप स्टार को लेकर के बढ़ाते हैं तो कम से कम 50 करोड़, वैसे तो 5-6 करोड़ में भी बन जाती है। मैं बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूं, जो बड़ी फिल्में हैं 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की लागत आती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाएगा तो पूरा हक उसका ही है कि उस फिल्म में कौन काम करे नहीं करे। जहां तक मैं जानता हूं, सलमान खान एक अच्छे इंसान है, मैं उनसे मिला भी हूं, और मेरे एक परिचित मित्र है, उसे किडनी की प्रॉब्लम थी, उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना था, मुंबई के हॉस्पिटल ने उसे 8 लाख का खर्चा बताया, इतना पैसा जमा करने में वो असमर्थ था। वो मुझसे मिला, तब मैंने उसे एडवाइस किया कि आप क्यों नहीं जाकर के सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में मिलते हैं। उसने अपनी बहन को भेजा, उसकी बहन गई वहां पे और फॉर्म भरा। पहले मैं आपको बता दूं कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में जब आप जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, वहां से फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं कि किसको बीमारी है, क्या है, उम्र कितनी है, रहते का एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और कहाँ इलाज चल रहा था और कहाँ अभी इलाज होना है, और कितने पैसे की आपको जरूरत है और कितना पैसा हॉस्पिटल आपसे मांग रहा है, और आपको साथ ही मेडिकल के सारे जो पेपर्स है वो सब लगाने पड़ते हैं, इंक्लोज करने पड़ते हैं, कॉपी लगानी पड़ती है, वो आपको दे करके आ जाना पड़ता है वहां से। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में डॉक्टर्स भी हैं जो ये सारे आपके कागज हैं, जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद वेरीफाई करते हैं कि ऑथेंटिसिटी सही है कि कोई यूं ही पैसे लेने के लिए आ गया नकली कागज बना के। उन हॉस्पिटल्स में फोन भी करते हैं, कंफर्म करते हैं यस जेन्युइन केस है, और उसके बाद आपको बीइंग फाउंडेशन से एक फोन आता है और आपको जाकर के चेक लेना रहता है। मेरे इस मित्र को जिसकी बहन ने वहां पे जाकर के सब कुछ जमा किया था, उसे फिर 10-15 दिन के बाद भी फोन आ गया कि आप आइए अपना चेक लेके जाइए। उसे 40,000 रुपए की मदद वहां से मिली, उसे 40,000 रुपए का चेक मिला, एंड दैट गाय इज स्टिल थैंकफुल टू सलमान खान। मैं एक केस बता रहा हूं, वहां से कितने केस है, कितने वहां पे लाइनें लगती है, लाइनें ऑफिस के बाहर सवेरे, और सब लोगों को पैसे मिलते हैं। जिनका भी जेन्युइन केस है उनको उनके जरूरत के हिसाब से, उनकी आर्थिक स्थिति देखने के बाद में उस हिसाब से उनको पैसे मिलते। आप या आपका कोई परिचित जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे कोई बीमारी है और उस खर्चे के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे नहीं है, तो वहां पे जा सकता है। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूं, आप देख लीजिए और आप वहां पे जाके मिल सकते हैं, सारे पेपर्स लेके जाइए, आपको भी मदद मिलेगी। सलमान खान का एक किस्सा आपको सुनाता हूं। 2012 में इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को 4 मिलियन दिए 400 कैदियों को छोड़ने के लिए। वो 400 कैदी जो यूपी के 63 विभिन्न जेलों में कैद थे, उन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया था, लेकिन उनके पास जो लीगल फाइन उनको किया गया था कोर्ट के द्वारा, वो देने के पैसे नहीं थे और वो सब जेलों में बंद थे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।